नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि BPSC 3.0 का री एग्जाम अब समाप्त हो चुका है। अब हम उसके आंसर की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में हम 11th और 12th और 9 से लेकर के 10th तक के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का संभावित कट ऑफ लेकर के आए हैं, जिससे आपको अनुमान लग सके कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11th और 12th के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अगर हम मैथ की बात करें तो कुल 1982 पोस्ट पर ये वैकेंसी हुई थी, और पिछले साल के संभावित कट ऑफ और जो है पेपर को देख करके एक निश्चित कट ऑफ बनाया गया है कि अगर आप उनके बीच और आसपास हैं तो सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें, यूआर मेल की बात करें, जनरल की बात करें, तो 70 से 75 के बीच कट ऑफ रहेगी, जबकि फीमेल वर्ग का जो है 65 से 70 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। EWS की बात करें तो वे भी जो है 65 से 70 और 60 से 65 के बीच उनकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। SC मेल की 45 से 50 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जबकि SC फीमेल की 40 से 45 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर ST मेल की बात करें तो 65 से 70 के बीच है, जबकि ST फीमेल की बात करें तो 60 से 65 के बीच जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। EBC मेल की बात करें तो 67 से 72 के बीच कट ऑफ रह सकती है, जबकि ABC फीमेल की बात करें तो 60 से 65 के बीच कट ऑफ रह सकती है। BC मेल की बात करें तो 40 से 45 के बीच कट ऑफ रह सकती है, जबकि BC फीमेल की जो है 41 से 46 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना रह सकती है। इसके बाद 11th और 12th का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट की बात करें तो पिछले साल जो है इसकी कट ऑफ UR की 60 गई थी, तो इस बार भी कट ऑफ जो है ज़्यादा इससे नहीं जाएगी बल्कि कम ही रहेगी। अगर UR मेल की बात करें तो 58 से 60 के बीच इसकी कट ऑफ रह सकती है, जबकि फीमेल की 54 से 57 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। AWS मेल का 48 से 51 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जबकि फीमेल की जो पिछले साल 47 नंबर थी इस बार 45 से 48 के बीच देखने को मिल सकती है। BC मेल जो पिछले साल 50 नंबर पे था इस बार 50 से 53 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। BC फीमेल का जो 46 नंबर था इस बार 45 से लेकर 47 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ABC मेल की बात करें तो 40 से 42 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जबकि EBC फीमेल की 40 से 42 के बीच इनकी भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल 40 नंबर कट ऑफ गया था। इसी तरह अगर जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पिछले साल जो है UR की मेल की जो मेरिट है 86 नंबर गई थी, लेकिन इस बार जो है पेपर कुछ हार्ड होने की वजह से, कुछ क्वेश्चन हार्ड होने की वजह से कट ऑफ जो है कम जाएगी। अगर इस तरह से बात करें तो 82 से 84 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जबकि UR फीमेल की जो है पिछले साल जो 84 थी इस बार 80 से 82 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। AWS मेल की जो पिछले साल 81 नंबर थी इस बार 80 में प्लस 2 और प्लस माइनस हो सकता है, जबकि AWS फीमेल की भी जो 81 थी इस बार 80 में 3 प्लस और 3 माइनस को कर सकते हैं। EBC मेल की बात करें तो उस साल जो है 64 नंबर कट ऑफ थी, तो इस बार 62 से 66 के बीच कट ऑफ रहेगी, जबकि EBC की मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 64 पे प्लस 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, 2 नंबर कम हो सकता है। BC मेल की बात करें तो 60 से 63 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जबकि BC फीमेल की बात करें तो 58 से 61 की पिच कट ऑफ मिल सकती है। ये है जूलॉजी का कट ऑफ। अगर बात करें समाजशास्त्र सब्जेक्ट की तो ये भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे पद आए हुए हैं। पिछले साल मेल की जो है 69 नंबर मेरिट गई थी मेल में, और इस बार 67 से 62 के बीच देखने को कट ऑफ मिल सकता है, जबकि पिछले साल फीमेल की भी 68 पॉइंट कुछ करके गई थी मेरिट, जबकि इस बार 65 से 67 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर बात करें EWS की तो 60 में 2 नंबर प्लस कर सकते हैं और 2 नंबर माइनस कर सकते हैं, जबकि फीमेल वर्ग में भी 59 में 2 प्लस कर सकते हैं और 2 माइनस कर सकते हैं। अगर बात करें BCM की
तो बीसी फीमेल की बात करें तो पिछले साल 54 कटआउट थी, इस बार 52 से 55 के बीच कटआउट देखने को मिल सकती है। जबकि ईबीसी अगर जो है ईबीसी मेल की जो बात करें, जो पिछले साल 46-47 नंबर कटआउट गई थी, इस बार जो है 46 में प्लस 2 और प्लस माइनस कर सकते हैं। जबकि पिछले साल फीमेल की भी 47 गई थी, इस बार जो है 46 में प्लस 2 और प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश के कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल भी जो है महत्वपूर्ण पोस्ट आए थे, इस बार भी इसमें इंग्लिश में 2000 पोस्ट आए हुए हैं। अगर मेल की बात करें तो 60 से 65 के बीच कट ऑफ रह सकती है, जबकि फीमेल की 58 से 60 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 50 से 55 के बीच कट ऑफ रहेगी, जबकि ईडब्ल्यूएस फीमेल की 48 से 50 के बीच कट ऑफ रहेगी। एससी मेल की 37 से 41 के बीच रहेगी, जबकि एससी फीमेल की 40 से 42 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एसटी मेल की बात करें तो 42 में 2 प्लस 2 माइनस हो सकता है, जबकि एसटी फीमेल का 42 से 46 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ईबीसी मेल की बात करें तो 42 से ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी, जबकि ईबीसी फीमेल 38 से 40 के बीच रह सकते हैं। बीसी मेल की बात करें तो 54 से 58 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जबकि बीसी फीमेल की 50 से 48 से 50 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस तरीके से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में कट ऑफ बताए हैं। इसके आगे जो भी हमें फिर दिखेंगे, जो भी सर्वे होगा, उसके आधार पर हम बताएंगे कि आगे के सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण कितने कट ऑफ जा सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।